आगे खबरों में आगे बढ़ते, कानपुर में बैंक लॉकरों से सामान गायब होने की घटनाओं से शहर में सनसनी मची हुई है। ऐसे में पुलिस ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 9 लॉकरों से सामान गायब होने के मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बैंक मैनेजर सहित 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुट चुकी है। पुलिस के मुताबिक बैंक कर्मियों की साठगांठ से गोदरेज लॉकर कर्मचारियों की मदद लेकर इस फ्रॉड को अंजाम दिया गया। लंबे समय से बंद लॉकरों की प्रक्रिया के तहत खोला जाना था, जिन लॉकरों को खोला जाना था इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से, जहां पर बैंक लॉकर से सामान गायब होने का खुलासा सामने आया। आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और साथ ही उनसे पूछताछ लगातार जारी है। सीबी मैनेजर सहित 4 लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है। प्रक्रिया के तहत खोले जाने थे बंद लॉकर, जिसके बाद ये घटना सामने आई। पुलिस ने इस पूरे मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। बड़ी जानकारी कानपुर से, जहां पर बैंक लॉकर से सामान गायब होने का बड़ा खुलासा हुआ है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बैंक लॉकर में पैसा लॉकर में से सामान गायब होने के मामले में अभी तक 3 FIR दर्ज हैं। इसके अलावा 6 अन्य लोगों से इस तरीके की शिकायत मिली है। अभी तक की जो जानकारी पुलिस ने की है, इसमें 4 संदिग्ध लोगों से पुलिस ने पूछताछ की है और लगभग पूरा घटनाक्रम पुलिस ने अनावरण किया है, जिसके तहत बैंक में जो ब्रेक ओपन की कार्रवाई होती है, यानी डोरमेंट लॉकर्स को तोड़ने की कार्रवाई होती है, उस समय अनधिकृत तरीके से बैंक के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत और लॉकर ब्रेक करने वाले कर्मचारियों की मिलीभगत से अनधिकृत तरीके से 9 से 8 लॉकर्स तोड़े गए और उसमें की नकदी गायब की गई और लॉकर तोड़ने वालों को लगभग 250 से 300 ग्राम सोना दिया गया, जो अलग अलग ज्वेलर्स को बेचा गया है। ये इसकी पूरी बात को भी वेरीफाई किया जा रहा है। अन्य कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, इसको वेरीफाई किया जा रहा है। बहुत जल्द अगले 24 घंटे में इस सब चीज़ का वेरिफिकेशन करने के उपरांत पुनः मीडिया को जो नई जानकारी उपलब्ध होगी, उसको आप सभी लोगों को ब्रीफ किया जाएगा। जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल वाजपेयी जुड़ चुके हैं। राहुल, सामान गायब हो रहे हैं बैंक लॉकर से, जो सबसे सुरक्षित जगह बताई जाती है, क्या कुछ मामला है? जी निश्चित तौर पर, कहीं ना कहीं जो पिछले कई दिनों से कानपुर सुर्खियों में एक बार फिर बना था, क्योंकि बैंक के लॉकर से सोने गायब हो रहे थे। जो लोगों की अपनी अकूत जो कमाई होती है, जो बैंकों में रखते हैं, अपने घरों पे नहीं रखते हैं ताकि बैंकों में सुरक्षित रहे, वो बैंकों से सोना गायब हो रहा था। तो कहीं ना कहीं जब ये गायब होने की बात सामने निकल के आई, एक बैंक हो, सेंट्रल बैंक हो, चाहे बैंक ऑफ इंडिया हो, तो इसके बाद से लोगों में अपनी हड़बड़ाहट मचने लगी। लोग अपने बैंक के लॉकरों को चेक करने लगे, तो कहीं ना कहीं देर रात पुलिस ने सेंट्रल बैंक के 9 लॉकरों से सामान गायब होने के मामले में खुलासा कर दिया। पुलिस के मुताबिक बैंक कर्मियों की साठगांठ से गोदरेज लॉकर कर्मचारी की मदद लेकर इस फ्रॉड को अंजाम दिया गया है। लंबे समय से बंद लॉकरों को प्रक्रिया के तहत खोला जाना था, उस प्रक्रिया में हीलावाली की गई। जिन लॉकरों को खोला जाना था, उनकी जगह दूसरे लॉकर भी खोले गए, उनसे माल उड़ा दिया गया। पुलिस बैंक मैनेजर सहित 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। फिलहाल पुलिस ने कहा जल्द ही 24 घंटे के अंदर और भी अपडेट मिलेगी। पुलिस ने लॉकर खोलने वाले कर्मचारी चंद्र प्रकाश को भी हिरासत में लिया, इसने कबूल किया कि जी। राहुल जी, इसमें तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।